कहा जाता है कि जिंदगी कभी कभी आपकी ओर बहुत तेजी से आती है। एक पल तो आप दिन भर के कामकाज के बाद अपनी रेस्टोरेंट की साफ सफाई कर रहे होते हैं और दूसरे ही पल यार आपने इसे आते हुए देखा था क्या? नहीं ना, लगता है इस इटालियन रेस्टोरेंट के स्टाफ को अभी बहुत काम करना बाकी रह जाएगा। ये लोग गुड बाय बोलकर जाने वाले थे बस। तो भाई क्या आपको जानना है कि इस चौंका देने वाली क्लिप में आखिर क्या हो रहा है? और इसके अलावा भी बहुत से हैरत अंगेज कॉन्टेंट देखने का मूड है क्या? तो बस बैठ जाइए कमर कस कर, क्योंकि हम पेश कर रहे हैं थिंग्स यू विल सी फॉर द फर्स्ट टाइम का अगला एपिसोड। एयरपोर्ट्स पर कभी कभी सर चकरा जाता है, कितनी लंबी लंबी लाइनों में वेट करना पड़ता है, लेकिन फिर दूसरी लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि हम बस भीड़ के साथ धकेले जा रहे हैं। लेकिन भाई एयरपोर्ट पर टाइम पास करने का एक मजेदार तरीका भी है। कभी बैगेज कलेक्ट करने के एरिया में आपने केकड़े देखे हैं क्या, जो गलती से सामान के साथ चिपक कर आ गए हैं? तो भाई जरा ये सीन देख लीजिए। जून 2014 में बहामास के लिंडन पिंडलिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने सामान के लिए वेट करते वक्त एक पैसेंजर ने ये अफरा तफरी कैप्चर की थी। जब लोग वहां खड़े होकर अपना सूटकेस ढूंढ रहे थे, तब अचानक बेल्ट पर एक आइस बॉक्स चलता हुआ आया। वो खुला और उसमें से ढेरों जिंदा केकड़े निकल कर भागने लगे और लोगों पर चढ़ने लगे। आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग स्टाफ के भागते हुए केकड़े पकड़ने में मदद कर रहे हैं और दूसरे पैसेंजर्स या तो हंस रहे हैं या चीख रहे हैं। केकड़ों को कस्टम के काउंटर की तरफ भागते हुए देखकर लोग फोटो भी ले रहे हैं। लेकिन पता है सिचुएशन में असली हीरो कौन है? ये अपने फोन से पूरे तमाशे की वीडियो बनाने वाला बंदा, ताकि सालों बाद इसे देखकर हम सब हंस सकें। रेन फॉरेस्ट के जंगलों में सबसे ज्यादा वैरायटी के जीव जंतु बसते हैं। घने पेड़ों और पौधों के बीच से आपको दिखाई देंगे ढेर सारे कलरफुल जानवर, जो या तो डालियों पर झूल रहे होंगे या जमीन पर पड़े पत्तों में रेंग रहे होंगे या आसमान में उड़ रहे होंगे। लेकिन भाई यहाँ बहुत से ऐसे निराले जंतु भी हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा, जैसे कि ये छोटू उस्ताद। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि इसका नाम है लीफ हॉफर निम्फ। रेन फॉरेस्ट प्रेमी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड व्हीलर ने इसकी ये क्लोजअप वीडियो कैप्चर की है। ये नन्हा बालों से ढका हुआ जंतु लगभग 15 मिलीमीटर की लंबाई का है। इसे कोलंबिया के रियो क्लारो में फिल्माया गया था। लेकिन लीफ हॉफर की कम से कम 20,000 प्रजातियां हैं जो पूरी दुनिया में पाई जा सकती हैं। ये छोटे कीड़े पौधों की पत्तियां खाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनकी ब्राइट ग्रीन बॉडी पूरे बालों से ढकी हुई है। ये एक लिक्विड छोड़ते हैं जिसमें इनकी बॉडी लिपटी हुई है। ये इन्हें वाटरप्रूफ बनाता है और इनके फेरोमोन्स को फैलाने में मदद करता है। लेकिन यार ये इतना हिलडुल क्यों रहा है? क्या ये छोटू सा कीड़ा अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए डिस्को डांस कर रहा है? सुनने में मजेदार लगता है, लेकिन असल में बात कुछ और है। ये साइड टू साइड एक खास रिदम में हिल रहा है। ये मूवमेंट इसे अपने आसपास की दुनिया को देखने में मदद करता है। अपने शरीर के बालों की मदद से ये आसपास मौजूद चीजों की दूरी का अंदाजा लगाता है और फिर अपने दिमाग में जोड़ जोड़ कर उस जगह की एक पूरी तस्वीर बनाता है। इस व्यवहार को वेलोसिटी पैरेलैक्स कहा जाता है। ये लीफ हॉफर निम्फ जैसे जानवरों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके पास इंसानों जैसी विकसित आंखें नहीं होती। यार जरा सोचो, अगर हम भी दुनिया को देखने के लिए ऐसे डांस करने लग जाएं तो कितना मजेदार होगा। लेकिन भाई लीफ हॉफर निम्फ अकेला ऐसा प्राणी नहीं है जिसको डेविड व्हीलर ने अपने रियो क्लारो के रेन फॉरेस्ट के एडवेंचर के दौरान क्लोजअप से शूट किया। जरा इस बंदे पर नजर डालिए, चलता फिरता बर्फ का हुआ है यार। आज तक आपने जितने अनोखे जंतु देखे होंगे उनमें से ये पक्का सबसे अजीबोगरीब होगा। ये ऑड शेप वाला जंतु प्लांट हॉपर निम्फ के नाम से जाना जाता है। पहली नजर में तो आपको यही समझ नहीं आएगा कि इसका सर कौन सा है और पूंछ कौन सी है। प्लांट हॉपर निम्फ ऐसा दिखता है जैसे किसी बच्चे का चित्रा हुआ फिगर पेपर से बाहर आ गया हो, लेकिन यही इसकी चालाकी है, क्योंकि ये सब छलावा है। जहां आपको जो दिखाई दे रहा है वो एक ऐसा नन्हा निम्फ है जो अपनी फ्लैट बॉडी के ऊपर मौजूद स्पेशल ग्लैंड्स में से वैक्स जैसा एक सब्सटेंस बाहर निकालता है। प्लांट हॉपर निम्फ फिर अपने बनाए हुए इस नए नए मोम को लेकर घूमता रहता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो ये उन्हें कैमोफ्लेज करता है, दूसरा उनकी नरम बॉडी को कवच देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार अपना साइज बड़ा कर लेने से ये शिकारियों की नजर में और आसानी से आ जाएगा, है ना? तो भाई इसका जवाब ये है कि अगर कोई शिकारी इस पर अपने दांत गाड़ भी देगा तो वो बाहर निकलते हुए गद्देदार वैक्स में घुसेंगे, ये छोटू तो अंदर बचा हुआ रहेगा। हाँ, इसका वैक्स का कवच जरूर बर्बाद हो जाएगा, लेकिन वो तो ये फिर से उगा लेगा यार। इसकी नरम बॉडी बचना चाहिए बस, है ना? एकदम चालाक कीड़ा यार। आइसक्रीम किसको पसंद नहीं है? ये सॉफ्ट सर्व फाउंटेन में, टब में और कोन में आती है
और आजकल तो भाई इंटरनेट पर एक नई चीज छाई हुई है, रोल्ड आइसक्रीम। इस सुपर कूल फ्रोजन डेजर्ट की शुरुआत थाईलैंड में हुई थी, जहां इसे थाई रोल्ड आइसक्रीम या स्टार फ्राइड आइसक्रीम के नाम से जाना जाता है। 2015 में यूनाइटेड स्टेट्स में यह खूब चलन में थी। यहां इसका नाम बदलकर रोल्ड आइसक्रीम या आइसक्रीम रोल्स रख दिया गया। इसमें दूध, क्रीम और शक्कर के लिक्विड मिक्सचर को एक सुपर ठंडे मेटल स्पैटुला से हिलाकर स्लाइस करके और डाइस करके अलग अलग फ्लेवर्स को मिक्स किया जाता है और फिर इसमें थोड़ी हवा जाने दी जाती है ताकि इसका टेक्सचर जल्दी लाइट हो जाए और ये गजब का ठंडा होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। इस सेटिस्फाइंग प्रोसेस के पूरे होने पर मिलता है एक लजीज जेलाटो। आप इस डेजर्ट में कोई भी फ्लेवर या टॉपिंग डाल सकते हो मेरे भाई, लेकिन अगर अंडे डाल दिए जाएं तो आपको कैसा लगेगा? क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसी चीज किसके खुराफाती दिमाग की उपज हो सकती है भाई। तो भाई इस कारनामे के पीछे हेलाडोस रोल नाम का एक यूट्यूब चैनल का हाथ है। इनफैक्ट इस चैनल पर बस यही दिखाया जाता है, टाकी से लेकर मॉन्स्टर एनर्जी जैसे सभी तरह के अजीब इंग्रेडिएंट्स से लेकर आइसक्रीम रोल बनाना। इन अंडा युक्त आइसक्रीम रोल्स को बनाने के लिए पहले दो अंडे छीले जाते हैं और फिर उन्हें मेटल पैन के ऊपर मेटल स्पैटुला के जरिए स्लाइस किया जाता है, फिर दूध मिलाते हैं, फिर ये जैसे जैसे फ्रीज होना शुरू होता है इस मिक्सचर को तब तक स्लाइस और स्क्रैप किया जाता है जब तक ये आइसक्रीम जैसा नहीं दिखने लग जाता और फाइनली इस डेजर्ट की एक पतली परत पूरी फैल जाती है और बराबर हिस्सों में स्लाइस कर दी जाती है। इन्हें परफेक्ट स्पाइरल्स में रोल कर दिया जाता है, फिर इसके ऊपर बॉयल्ड एग्स के पीस डाले जाते हैं और ये लो, हो गया कारनामा तैयार। आपने अब तक सबसे वियर्ड चीज क्या खाई है? नीचे कमेंट्स में अपनी हरकतों को कबूल कर लो मेरे भाई। और अगर आपको इंटरनेट पर कोई वियर्ड, वंडरफुल या अमेजिंग चीज मिलती है तो आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करनी चाहिए, फटाफट से हमें clips@bms.com पर मेल कर डालो। अगर उसको आने वाले किसी एपिसोड में फीचर किया तो हो सकता है कि मैं अगले वीडियो में आपको एक शाउट आउट कर दूं। चलिए वापस चलते अपने वीडियो पर। पैराग्लाइडिंग जैसे खतरनाक स्पोर्ट्स को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ सकता है। चलो माना कि आसमान में उड़ते उड़ते चारों तरफ नीचे की दुनिया का नजारा लेने का एक अलग ही मजा है, लेकिन भाई पता है इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उतरने की बारी आई तब बहुत मुश्किल काम है यार। मार्च 2019 में ऑस्ट्रेलिया में एक पैराग्लाइडर राजधानी के कैनबरा के पास 2 घंटे तक गांव के ऊपर इधर से उधर ग्लाइडिंग करता रहा और उसे पता ही नहीं था कि नीचे एक क्लियर की हुई वैली है जहां उतरना उसके लिए एकदम सुरक्षित रहता, लेकिन तब तक वो घने जंगलों और पेड़ों के ऊपर पहुंच चुका था। फिर उसे एक कंक्रीट का स्लैब दिखाई दिया जो एक खाली पड़े पुराने स्पेस ट्रैकिंग स्टेशन का था। उसका पूरा ध्यान ठीक से लैंड करने पर था और उसने देखा ही नहीं कि उसकी तरफ कौन बिन बुलाया मेहमान दौड़ा आ रहा है। क्या हुआ यार, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है ना। जाहिर है कि पैराग्लाइडर ने शुरू में सोचा कि वो जानवर सिर्फ जिज्ञासा में उसकी तरफ दौड़े आ रहे हैं और लैंड करने के बाद फ्रेंडली होंगे, लेकिन भाई यहाँ तो मामला एकदम उल्टा निकला। एक कंगारू ने उस पर 2 बार अटैक कर दिया। यार अगर इन शानदार जानवरों को बोलना आता तो ये पक्का यही बोलते, बड़ू तुम तो हमारे इलाके में उतर आए हो। यार लोग अक्सर यही समझते हैं कि कंगारू भोले भाले घास चरने वाले जानवर होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये बहुत ही अग्रेसिव हो सकते हैं, खास करके अगर आप गलत टाइम पर पहुंच जाएं तो। और इनकी किक भी बहुत ही पावरफुल होती है दोस्तों। शुक्र है कि इस क्लिप में पैराग्लाइडर इन जानवरों के वापस भाग जाने की वजह से बाल बाल बच गया। कई किलोमीटर चलने के बाद जब उसके फोन को सिग्नल मिलने लगे तो उसने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। यार सोचो आपका क्या रिएक्शन होगा अगर आपका दोस्त कॉल करके बोले, भाई मुझे बचा लो, मैं आसमान से टपक रहा हूँ और मुझ पर एक सेल कंगारू ने हमला बोल दिया है। ये बर्फ भी बड़ी जादुई चीज है ना। मैं स्नो एंजल, स्नो बॉल फाइट्स और दिन भर प्लेजिंग करने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये ठंडा मौसम हमेशा इतना नरम और गुदगुदा नहीं होता, कभी कभी ये भयंकर बर्बादी मचा सकता है। ये धीरे धीरे खिसकने वाली विशाल अवलांच मार्च 2018 में कबार्डिनो बल्गारिया के उत्तरी काकेशस रिपब्लिक में एक पार्किंग लॉट में घुस आई और ये कहना सेफ रहेगा कि ये उन सभी के लिए एक अच्छा दिन नहीं था जिन्होंने अपनी कारों को वहां छोड़ दिया था। इस तरह के अवलांच तब होते हैं जब एक खड़ी ढलान पर बनी बर्फ की एक मोटी परत कोलैप्स हो जाती है जिससे ये नीचे की ओर खिसकने लग जाती है और स्पीड पकड़ने लग जाती है। दुर्भाग्य से ये पर्टिकुलर पार्किंग लॉट रूस के माउंट एल्ब्रस के ठीक नीचे स्थित है जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है और दुनिया की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी है। इसकी ऊंचाई 18,510 फीट है। जब तक हिमस्खलन रुकता है लगभग सभी कारें बर्फ की एक मोटी परत में ढक चुकी थी
और उनमें से कई इतनी डैमेज हो चुकी थी कि उन्हें रिपेयर करना नामुमकिन था। शुक्र है ये बर्फ का पहाड़ किसी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर से टकराने से पहले ही रुक गया और कोई बुरी तरह से घायल नहीं हुआ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि बर्फ में एक ऑरेंज सा टिंट है, लेकिन भाई ये कोई आने वाला एपोकलिप्स का साइन नहीं है। ये असल में नॉर्थ अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में तूफानों से उड़ी हुई रेत और धूल का परिणाम है। वो पार्टिकल्स तेज हवाओं के साथ उड़कर यूरोप तक पहुंच जाते हैं और वातावरण में बर्फ के साथ मिलकर माउंट एल्ब्रस के ऊपर बरस कर जमा हो जाते हैं। तो बच्चों, तुम्हें खाते समय सिर्फ पीली बर्फ से नहीं बचना है, और भी कुछ है, समझे? कीड़े मकोड़ों से डर, जिसे एंटोमोफोबिया भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे कॉमन डरों में से एक है। हम इसे कई लोगों के लिए कुलबुलाते हुए, रेंगते हुए, भिनभिनाते हुए कीड़ों का ख्याल भी पसीने छुड़वाने के लिए काफी होता है। लेकिन भाई, ऐसे बहुत से बहादुर लोग भी हैं जो उन क्रीपी क्रॉली कीड़ों को ऐसे पकड़ लेते हैं जैसे कुछ भी नहीं है। एड्रियन कोजाक्विज उर्फ इंसेक्ट हॉर्स ऐसा ही एक बंदा है। ये विशाल ग्रब एक भद्दे से खिलौने की तरह लग रहा है, लेकिन भाई ये एकदम असली है। इसे हरकुलिस लार्वा कहा जाता है और इसके नाम की वजह समझना आसान है ना? ये कुलबुलाते हुए भयानक राक्षस लंबाई में 11 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 100 ग्राम से ज्यादा हो सकता है। ये लगभग एक न्यू बॉर्न बिल्ली के बच्चे के जितना है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ा होने के बाद ये भीषण ग्रब क्या बन जाता है? भाई ये एक हरकुलिस बीटल बन जाएगा। ये सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और लेजर एंटलिस के रेन फॉरेस्ट में रहने वाले राइनोसोरस बीटल की एक प्रजाति है। 3.5 इंच तक बढ़ने वाला हरकुलिस बीटल दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले कीड़ों में से एक है। दूसरे बीटल्स की तरह ही इनकी जिंदगी एक अंडे से शुरू होती है, फिर वे एक लार्वा में बदल जाते हैं और एक साल तक ऐसे रहते हैं। वे बस खाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं और फिर रूप बदल लेते हैं। सवाल ये है कि क्या आप इसको हाथ में उठाने की हिम्मत करेंगे? आपके साथ वर्क प्लेस पर आज तक सबसे भयानक हादसा क्या हुआ है? शायद कुछ बेहद ही बदमिजाज ग्राहकों ने आपकी नाक में दम कर दिया होगा, या फिर आपके बॉस ने फ्राइडे शाम 4:30 बजे ऑफिस से जाते जाते ढेर सारा काम दे दिया होगा। जो भी हुआ हो, मैं शर्त से कह सकता हूँ कि वो उतना बुरा नहीं था जितना 2018 में इटली के अरेंजानो में एक रिजॉर्ट रेस्टोरेंट में हुआ। इस सीसीटीवी कैमरा फुटेज में 29 अक्टूबर की शाम को द बागनी मदालडेना रिजॉर्ट रेस्टोरेंट के 5 स्टाफ मेंबर्स अपनी ड्यूटी खत्म होने पर फर्श धोते हुए और चीजें जमाते हुए दिख रहे हैं। तभी भयंकर तेज हवा चलती है और होटल को हिला कर रख देती है, और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पानी की एक विशाल लहर रेस्टोरेंट की खिड़कियां तोड़ते हुए अंदर घुस जाती है। कुछ स्टाफ मेंबर्स इसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद दरवाजे पानी के सामने नहीं टिक पाते और लहर एक एम्प्लॉय को अपने साथ घसीटते हुए पूरे रेस्टोरेंट में छा जाती है। दूसरा बंदा बचने के लिए कूदकर बार पर चढ़ जाता है। 2018 के अंत में इटली में शक्तिशाली तूफानों से कई लैंडस्लाइड्स हुई थी और नॉर्थ में हजारों हेक्टेयर जंगल तबाह हो गए थे। उत्तरी इटली में मेट्रोपॉलिटन सिटी जेनोआ में आने वाला एक कोस्टल शहर ओरिजानो लिगुरान सागर के किनारे बसा हुआ है। इस वजह से इस रिजॉर्ट पर तूफानी मौसम से तबाही होने का खतरा बना रहता है। इनफैक्ट इटली की एक रीजनल मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी दी थी कि हवाएं 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई हैं और लहरों की ऊंचाई लगभग 20 फीट तक दर्ज की गई है। शुक्र है कोई बुरी तरीके से घायल नहीं हुआ था। हालांकि रेस्टोरेंट में मालिक जियोवाना जेमोंटे को टूटे कांच से कट लग जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बस इस बात का शुक्र मनाओ भाई कि रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले लोग नहीं थे, नहीं तो सबको फ्रेश सी फूड दिख जाता। डरपोक बिल्ली कहावत होने के पीछे एक कारण है। हमें पता है कि बिल्लियां नेचुरल तौर पर उछल कूद करती रहती हैं। उनके सामने कोई भी या कुछ भी अजीब सा आता है तो वो डर जाती हैं। इसके बावजूद अगर उन्हें चूहे या चिड़िया जैसे छोटे मोटे जानवर दिखाई दे जाएं, तो वो उन पर झपट्टा मारकर अपनी किस्मत जरूर आजमाती हैं। लेकिन लगता है इस घरेलू बिल्ली ने अपनी औकात से ज्यादा ही हिम्मत दिखा दी है भाई। आपको उसका चेहरा तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरह से ये खड़ी है, ये देखकर आपको इतना समझ आ गया होगा कि बिल्ली ने इस उल्लू को अपना शिकार समझकर गलती कर दी है। हम आमतौर पर उल्लुओं को निशाचर प्राणी मानते हैं, इसलिए दिन में इस तरह से किसी उल्लू को देखना बहुत ही रेयर है। इसीलिए बेल्जियम के आइगिम गांव में जब इस बिल्ली के मालिक ने अपने बैकयार्ड में इस अजीबोगरीब टक्कर को देखा, उसे पता था कि इसको तो फौरन स्मार्टफोन उठाकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा भाई। जब उल्लुओं को खतरा दिखता है तो वो अपने शरीर को फुला लेते हैं और अपने पंखों को पूरा फैलाकर खुद को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, ताकि सामने वाला शिकारी जानवर डरकर पीछे हटने लग जाए। उल्लू खुद भी हमेशा भूखे रहने वाले शिकारी होते हैं और छोटे प्राणियों जैसे कि कीड़े मकोड़े, चूहे और मछलियों को खाकर अपना पेट भरते हैं। हालांकि कुछ उल्लू बड़े जानवरों जैसे कि खरगोश का भी शिकार करते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले ने बताया कि जब उल्लू को लग गया कि अब बिल्ली से कोई खतरा नहीं है तो उड़ गया। भैया लगता है कि उस दिन इस बिल्ली की किस्मत बहुत ही तेज थी।
ब्रेकफास्ट के लिए आपका फेवरेट फूड क्या है? सुबह सुबह जब खुद को ट्रीट देना हो तो भाई केवल दो ही चीजें दिमाग में आती हैं। एक तो है वेफल्स और दूसरा है पैनकेक, जो कि मेरा भी पर्सनल फेवरेट है। ऑफ कोर्स पैनकेक में बहुत सी चॉइस हो सकती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा पैनकेक देखा है? यार आप पक्का सोच रहे होंगे ये जन्नत से आए हुए खूबसूरत फ्लफी क्लाउड क्या चीज है। तो दोस्तों ये है कोरियन सॉफल पैनकेक, जिन्हें YouTube पर यामी यामी ने यहाँ बड़े शानदार तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया है। सूफले पैनकेक के इंग्रेडिएंट काफी हद तक एक रेगुलर पैनकेक के जैसे ही हैं। ये है अंडा, दूध, चीनी वगैरह, लेकिन इस रेसिपी के असली हीरो हैं अंडे। उन्हें बनाने के लिए अंडे की जर्दी और अंडे की सफेदी को अलग अलग किया जाता है, और सफेद हिस्से को तब तक बीट किया जाता है जब तक कि इस पर ऐसे सॉलिड पीक नहीं उठ जाते, ठीक वैसे ही जैसे मेरिंग्यू बनाते समय होता है। इसके बाद फेंटे हुए व्हाइट हिस्से को धीरे से और सावधानी से बाकी बैटर में फोल्ड कर दिया जाता है। इसमें दूध और वेनिला को अंडे की जर्दी के साथ तब तक फेंटा जाता है जब तक ये गाढ़ा और झागदार ना हो जाए। पैनकेक का टेक्सचर गद्देदार और फ्लफी इसलिए होता है क्योंकि हवा के बुलबुले पैनकेक बैटर के अंदर अपना शेप बनाए रखते हैं, जिससे बैटर एकदम एयरी बन जाता है, बिल्कुल सूफले की तरह। ये पूरा प्रोसेस देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग है यार। देखो जरा ये गरम पैन के ऊपर किस तरह से प्लॉप करते हैं। एक बार जब ये ठीक से सेट हो जाते हैं और इनकी एक साइड गोल्डन कलर की होने लगती है तो इनको पलट दिया जाता है। कुछ और मिनट तक इनको रहने दिया जाता है, जिसके बाद ये सर्व करने के लिए तैयार होते हैं। इन डिलीशियस नरम और स्पंज जैसे टुकड़ों के ऊपर फिर स्ट्रॉबेरी की टॉपिंग रखी जाती है और साथ में व्हिप्ड डेजर्ट भी, फिर थोड़ा सा मीठा सिरप और गार्निश डाल दिया जाता है। आ गया ना मुंह में पानी। क्या आपको कभी समुद्र में तैरते हुए ऐसा महसूस हुआ है कि आप अकेले नहीं हैं और समुद्र की गहराइयों से कोई भयानक प्राणी आपको कुछ ही सेकंड में ऊपर आकर निकलने वाला है? तो भाई अगर आप में से कोई थैलासोफोबिया से पीड़ित है, जो समुद्र के डर को बोलते हैं, तो ये क्लिप बिल्कुल मत देखना। इस अविश्वसनीय फुटेज को नवम्बर 2019 में लॉस एंजलिस के साउथ डाना पॉइंट में 18 साल के ड्रोन ऑपरेटर पेटन लांडास ने कैप्चर किया था। हालांकि सर्फर्स के इस ग्रुप के पास आने वाली ये काली परछाई पहले तो बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन जल्दी ये साफ हो गया कि ये एक बहुत बड़ी लेकिन सीधी साधी सी वेल है। ये किनारे के पास तैर रही थी, इसलिए लांडास के कैमरा में कैप्चर हो गई। लांडास ने उस वेल का 2 मील तक पीछा किया, अपने घर से डोहिनी स्टेट बीच तक, और आखिरकार जब वो सांस लेने के लिए वेव का इंतजार कर रहे सर्फर्स के ठीक नीचे से बाहर निकली तो लांडास उस खूबसूरत पल को कैप्चर कर पाए। पहले तो उस ग्रुप जानवर की मौजूदगी से पूरी तरह से बेखबर था, लेकिन फिर उसने अपने नथनों से पानी की फुहार छोड़ी और अपनी पूंछ हिलाई, जैसे कह रही हो भाई लोगों बुरा मत मानना, मैं तो सिर्फ इधर से गुजर रही थी। इनफैक्ट ये शानदार प्राणी एक कच्ची उम्र की हार्मलेस ग्रे व्हेल लग रही है। ये साल के समय बाहा के साउथ की ओर अपना एनुअल माइग्रेशन शुरू करती है। तो भाई ये मौका डर कर पानी से बाहर भागने का नहीं था, बल्कि इन भाग्यशाली सर्फर के लिए ये जिंदगी में एक बार मिलने वाला एक शानदार एक्सपीरियंस था। चलिए अब आपसे एक अजीब सवाल पूछता हूँ, आपने आज तक एक जगह पर अधिकतम कितनी गाय देखी हैं? 10, 50, इतनी सारी के बारे में क्या ख्याल है? हाँ चलिए आपको एक एक को गिनने की जरूरत नहीं है, ये पूरी 1300 गाय है, सभी एक ही पानी के ट्रक के आसपास झुंड बना रही हैं। ये माइंड ब्लोइंग क्लिप जिसे ड्रोन के जरिए फिल्माया गया था अगस्त 2018 में ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में एम्बर ली के खेत में ली गई थी। लेकिन इतने सारे मवेशी एक जगह क्यों जमा हो रहे हैं? क्या ली के पास इतना पानी नहीं था कि वो इन सब के लिए इंतजाम कर सके? इसका जवाब है नहीं, असल में न्यू साउथ वेल्स में किसी के पास भी नहीं था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आश्चर्यजनक घटना ऑस्ट्रेलिया में दशकों में हुए सबसे भयंकर सूखे के दौरान हुई थी। ली ने यह भी बताया कि उसे अपने मवेशियों को जीवित रखने के लिए पानी इकट्ठा करने के लिए 1 घंटे से अधिक दूर ड्राइव करना पड़ा। उस समय न्यू साउथ वेल्स के 100% एरिया को सूखा प्रभावित घोषित कर दिया गया था, जिसका मतलब है कि पानी के सोर्स या खेतों को एलोकेट किए गए पानी के कुंड पर पूरे सूखे पड़े थे और मिलों ने पानी पंप करना बंद कर दिया था। मौसम विज्ञान ब्यूरो ने यह भी खुलासा किया कि जनवरी के बाद अधिकांश न्यू साउथ वेल्स में नॉर्मल बारिश का 20% से भी कम पानी बरसा था, बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में उस साल का जुलाई पूरे 20 वर्षों का सबसे गर्म और सबसे ड्राई था। किसान और पशुपालक खास तौर से उस भीषण गर्मी से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, और ये क्लिप उस बात की एक परफेक्ट रिमाइंडर है। और मजे की बात तो ये है कि ये भूखे मवेशी पैंडेमिक के टाइम सुपरमार्केट में धक्का मुक्की करते हुए बेवकूफ लोगों से ज्यादा मैनर्स से बिहेव कर रहे थे, है ना एकदम सोचने वाली बात। आपका कुत्ता सबसे हैरत अंगेज काम क्या कर सकता है? क्या वो बैठ सकता है, रोल कर सकता है, या आपको हाई फाइव दे सकता है? बतखों को घेर कर एक रिंग में ले जाने के बारे में क्या कहेंगे?
टीम वर्क का ये अविश्वसनीय प्रदर्शन अगस्त 2019 में टेनेसी के कुकविले शहर में पुटनम काउंटी के मेले में देखने को मिला था। जब कुत्ते भेड़ों को चराते हैं तो हर कुत्ते का अलग रोल होता है। हेडर या फेचिंग डॉग पशुओं को एक झुंड में बनाए रखते हैं और आगे जाकर उनका मूवमेंट रोक देते हैं, जबकि हीलर या ड्राइविंग कुत्ते जानवरों को पुश करके आगे बढ़ाते रहते हैं। बतखों को एक शेप में घेर कर लाने के लिए तीन बॉर्डर कोली कुत्ते पहले तो उनके चारों ओर एक ट्रायंगल बनाते हैं ताकि उन्हें बीच में ला सकें। एक बार जब वे उनको घेर लेते हैं तो हर कुत्ता बारी बारी से थोड़ा आगे खिसकता है और अपने और बतखों के बीच की दूरी को कम करता जाता है। लेकिन जब उन्हें लगने लगता है कि बतख उनके कंट्रोल में, ठीक उसी वक्त ये चालाक चिड़िया उन्हें चकमा देकर भाग निकली। शुगर है उनमें से एक कोली उनको फिर से लाइन पर धकेलने में सफल हो जाता है। वे छोटे छोटे लेकिन ठोस मूवमेंट के जरिए उन्हें आगे धकेलता गया और आखिर में पूरा ग्रुप रिंग के अंदर परफेक्ट तरीके से खड़ा हो गया। और अगर आपको पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि बॉर्डर कॉलीज को चरवाहे कुत्ते या काम करने वाले कुत्ते के रूप में जाना जाता है, जिसका मतलब है कि इन्हें खास तौर पर भेड़ या गाय जैसे पशुओं को चराने के लिए डेवलप किया गया था। असल में हार्डिंग बिहेवियर मॉडिफाई किया हुआ शिकारी बिहेवियर है। इसका मतलब यह है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके कुत्तों के दिमाग से नेचुरल तौर पर पनपने वाली ये बात निकाल दी गई है कि गाय भेड़ उनके शिकार होते हैं, लेकिन साथ ही उनके शिकार करने की खूबियों को बरकरार रखा गया है। नतीजे में एक परफेक्ट चराने वाली मशीन जैसा कुत्ता बना है जो मवेशियों को अपना खाना नहीं समझेगा। आर्ट अलग अलग शेप और साइज में आ सकता है। इसमें से कुछ को आप अपनी दीवार पर टांग सकते हैं जबकि कुछ के अंदर आप उतर सकते हैं। क्या इसे देखते हुए आपके दिमाग ने भी अचानक एक पल के लिए काम करना बंद कर दिया? बेशक ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा दिखता है। ये औरत रेगुलर साइज की है और एलिस इन वंडरलैंड की तरह इसने खुद को पेस्टल बाथरूम के साइड में सिकोड़ कर छोटा नहीं कर लिया है। भाई असल में ये हैरान कर देने वाला एनोमॉर्फिक स्ट्रीट आर्ट है, जिसे आर्टिस्ट 3D स्ट्रीट पेंटर और म्यूरलिस्ट लियोन कीर ने बनाया है। टाइटल है फेक न्यूज। और अगर आपको मतलब नहीं समझ आया तो जरा उस टॉयलेट पेपर को गौर से देखिए। कीर कई सालों से दुनिया भर के प्रमुख शहरों में यूरोप, मैक्सिको, न्यूजीलैंड और ऑफकोर्स अमेरिका जैसे देशों में तरह तरह के अजीब और अद्भुत 3D आर्ट्स बना रहे हैं। जरा इन एडोरेबल गेटोर को देखो यार, जो उसने फ्लोरिडा के गेन्सविले में बनाया था। एनामॉर्फिक आर्ट उस आर्ट वर्क को बोलते हैं जिसमें एक गजब की टेक्निक से देखने वाले का नजरिया बदल दिया जाता है और एक डिस्टॉर्टेड इमेज जिंदा हो जाती है। जब देखने वाला इस आर्ट वर्क की तरफ एक खास एंगल से आगे बढ़ता है तो ये पहले एकदम प्लेन दिखती है और फिर एक 3D मास्टरपीस में बदल जाती है। यार कुछ लोगों को ना सब मिल जाता है। इनमें से किस इनक्रेडिबल नजारे ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? अगर इस अमेजिंग कंटेंट से आपका मन नहीं भरा है तो आपको इस सीरीज का कोई पिछला एपिसोड फौरन देख डालना चाहिए और मुझे clips@bms.com पर कॉन्टेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना यार। देखने के लिए शुक्रिया।